हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, नवरात्रि में नौ सपने देते हैं शुभ फल। जानिए दोस्तों, कौन से हैं ये नौ सपने। दोस्तों, नवरात्रि के नौ दिनों में यदि आपको नौ तरह के सपने आते हैं तो दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। इसे पता चलता है कि माता रानी ने आप पर कृपा बरसानी शुरू कर दी है, यानी कि आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ऐसे कौन से नौ सपने हैं जिसे देखने मात्र से आपके जीवन में तरक्की पक्की है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर एक, स्वप्न शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में दोस्तों सपने में आपको कन्या दिखाई देती है तो ये बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में कन्या को दुर्गा जी का स्वरूप माना जाता है और उनका पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस स्वप्न का संकेत यह है कि आप पर देवी अपनी कृपा बरसा रही है। तो दोस्तों, नंबर दो, नवरात्रि के दिनों में यदि आप सपने में जलता हुआ दिया देखते हैं तो ये आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होने का संकेत देते हैं। दोस्तों, नंबर तीन, नवरात्रि में सपने में शेर देखते हैं तो इसका मतलब है अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो दोस्तों उसमें विजय हासिल कर लेते हैं, ये संकेत देता है, और कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मदद मिलने की तथा नौकरी में आपको प्रभाव बढ़ने का संकेत समझा जा सकता है। तो दोस्तों, नंबर चार, नवरात्रि में सपने में यदि आपको माता पार्वती देखते हैं तो इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र में जल्दी अच्छा प्रमोशन, व्यापार में लाभ तथा करियर में सफलता का संकेत होता है। तो दोस्तों, नंबर पाँच, अगर सपने में आप खुद को नवरात्रि की पूजा में शामिल होते देखते हैं तो ये एक शुभ सपना माना जाता है। हर कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला तथा कोई रुका हुआ कार्य जल्दी पूर्ण होने का संकेत समझा जाता है। तो दोस्तों, नंबर छः, इन दिनों में दोस्तों अगर आप सपने में किसी महिला या कन्या को नृत्य करते हुए देखते हो तो ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का संकेत होता है। तो दोस्तों, नंबर सात, नवरात्रि में यदि आप सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी के दर्शन करते हो तो समझ लीजिएगा आपके जीवन में आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर होने वाला है तथा आपको आगामी जीवन में धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, नंबर आठ, नव दुर्गा पूजन में दिनों में यदि आप सपने में किसी देवी देवता के दर्शन करते हो तो समझ लीजिएगा स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर पे पधारने वाली है तथा आपको अच्छा धन लाभ और कार्य में सफलता मिलने का संकेत है। तो दोस्तों, नंबर नौ, नवरात्रि में यदि माँ दुर्गा आपको सपने में लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो ये सपना अति शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा तथा शुभ ही शुभ होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से नौ दिनों में नौ सपने आपको आते हैं तो दोस्तों इसमें से एक भी सपना आता है तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमो अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।